आज एक ज्ञान दीपक से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि इतनी आपको दृढ़ता कि जब जिसका जैसा होना है ऐसा ही कार्य होता, इतनी दृढ़ता। हाँ, जब धन आना होगा तो आएगा, दुकान चलनी होगी तो चलेगी, घर पे रुपये आने होंगे तो आएंगे, तुम्हारे बेटे बेटी की शादी होनी होगी तो होगी, सब सब छोड़ दो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो दुकान पर जाने का फिर भाव भी नहीं करना ऐसा? चलो सब अपने आप, तो भाव भी नहीं करना, ये आधा आधा हो कि दुकान तो अपने आप चल जाती है मगर वो भाव तो मुझे करना है ना। वो भाव को दुकान के साथ में नहीं डाला, वो दुकान के ढेर में ही इस भाव को डालना है। जैसे दुकान अपने हिसाब से चलती रहती है, ऐसे ये भाव भी अपने हिसाब से चलते रहते। तू भाव को बदलने वाला कौन है? तू भाव का कर्ता थोड़ी है, तू दुकान का कर्ता नहीं है, तो वो भाव का कर्ता तू है कि भाव तो भाना है ना कि दुकान पर जाकर के इतनी भावना तो भाव ने। चलो दुकान पर जो होगा सो होगा, सिर्फ भाव भाता हो कि सब अच्छा हो। अज्ञानी एक पर से तो बचना चाहता है और एक पर का कर्तृत्व करना चाहता है। ऐसा हो, एक का कर्ता बनो, एक में बच जाओ, ये आधा आधा करना चाहता है, ऐसा नहीं। ये नियम तो सब में लागू होगा ना, किसी एक में लागू होगा और दूसरे में नहीं होगा, ऐसा नहीं। परद्रव्य के लिए और परभाव के लिए एक सा, परद्रव्य और परभाव में भेद नहीं, ऐसा अकर्ता भाव। इसलिए दुकान, इसलिए सम्यक दृष्टि को दुकान पर जाने का विकल्प आता है। रोटी जब बननी होगी तो बनेगी, तो मुझे भाव नहीं भाना। अरे बननी होगी तो बनेगी, जैसे बननी होगी ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनाने के भाव भी जैसे आने होंगे ऐसे आएंगे। तू उसमें क्यों कर्तापना, तू उसका कर्ता क्यों बनता है कि भाव तो मेरा है मगर रोटी अपने आप बनेगी, ऐसा नहीं। रोटी अपने आप बनेगी ऐसा नहीं, रोटी और रोटी बनाने का भाव, ये दोनों अपने 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 कारण है, उसमें मैं नहीं।